नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, अतिथि शिक्षक से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती है और जो आने वाला 30 अप्रैल होगा दोस्तों, वो अतिथि शिक्षकों के लिए एक रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद सभी की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी तो वो एक बेरोजगार दिवस बन जाता है। दोस्तों, जब भी 30 अप्रैल आता है, ज़्यादातर अतिथि शिक्षकों की जो सेवाएं समाप्त होती हैं वो 30 अप्रैल को ही होती हैं। इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, हर ज़िले में वो मेहनत कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी अतिथि शिक्षकों की बात कहता है उसी के साथ में वो हो जाते हैं, लेकिन अभी तक फ़ायदा किसी ने भी नहीं दिलाया। एक अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ, स्क्रीन पर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ जिला धार मध्य प्रदेश प्रति माननीय शिक्षा मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, और विषय है स्कूल अतिथि शिक्षकों की मांगों का निराकरण करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मध्य प्रदेश में शासकीय विद्यालय में विगत 14-15 वर्षों से अल्प मानदेय पर अतिथि शिक्षकें सेवाएं देते आ रहे हैं और अपने भविष्य और स्थापित रोजगार को लेकर चिंतित हैं, अतः माननीय महोदय से करबद्ध निवेदन है कि अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी शासकीय विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को स्थायी रोजगार सुनिश्चित करने की कृपा करें, यही क्रमबद्ध निवेदन है। प्रमुख मांग, अनुभव के आधार पर गुरुजी की तर्ज पर अलग से विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए एवं छत्तीसगढ़ राज्य में अतिथि शिक्षकों की जो नीति बनाई गई है, इस प्रकार मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों को रोजगार सुनिश्चित दिया जाए, अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की जाए, और छत्तीसगढ़ राज्य में अतिथि शिक्षकों की जो नीति बनाई गई है वह आदेश प्रतिलिपि है। भवदीय लाखन चंदेल, जिला अध्यक्ष संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ, मोबाइल नंबर। तो इस तरह के अपडेट आ रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अतिथि शिक्षक से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं दोस्तों, और कल जो मैंने एक वो व्यापम से रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी तो उस पर कुछ कमेंट्स आ रहे थे, सर आप व्यू के लिए करते हैं, वो करते हैं, तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देखिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट्स सही कीजिएगा, वरना कमेंट्स मत कीजिएगा या मेरी वीडियो को मत देखिएगा। दोस्तों, नए नए अपडेट मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, और कल मैंने GFMS पोर्टल पर जो आपका पासवर्ड गलत हो जाता है या पासवर्ड आप भूल गए हैं तो नया पासवर्ड कैसे प्राप्त करें, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका अनुभव प्रमाण पत्र जो है GFMS पोर्टल से निकालने पर बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।